다시 남기고만 아참야 아야 तो लगा कि मेरा बुढ़ापा दूर हो गया। एक बाबूलाल बैरवा भैया अब तक आप कहां थे? एडवोकेट साहब, इतना शानदार और जानदार भाषण आपने दिया, इसलिए मैं कह रहा हूं मैं आप सब तक आपके भाषण से छूता रहा, यह बड़ी अनहोनी बात है। ये बाबूलाल तंवर नाम तो इनका होना चाहिए था अफसर लाल तंवर, अफसर लाल बैरवा, नाम इनका बाबूलाल बैरवा। आज इनका भाषण देख के लगा कि हाँ, कुछ अब हमारे साथ कुछ अनर्थ करते हुए हमारे दुश्मन 10 बार आगे पीछे सोचेंगे। और एक वकील और है तीसरा, जिसने यहाँ आज आने की वो इंतजार थी, क्या नाम है साहब? रावण जी का सहारनपुर के जाबाज, जिस व्यक्ति ने अपने पराक्रम से सरकारी जुल्मों को सहना स्वीकार किया मगर गर्दन झुकानी स्वीकार नहीं की। मैं समाज में ऐसे बच्चों की चिंता बात करना चाहता हूं जो समाज की चिंता बात करने में अपनी जान हथे पत्र कर लिया। आज जमाना बदल रहा है, इस देश में हमारे ऊपर हजारों साल तक जिन्होंने अब तक जुल्म उठाए, अब समझ लो अब तुम्हारे जुल्म उठाने की अब घड़ी खत्म हो गई। अब हम तुम पर जुल्म तो नहीं उठाएंगे, पर अपने अभी से पासपोर्ट बनवा लो, इस देश की सीमाएं हम सत्ता में आते ही खो देंगे। अब ये देश हमें, हमारा देश हमें चलाने दो। हम समर्थ हो गए हैं, हम बलवान हो गए हैं, हम बुद्धिमान हो गए हैं, हम स्वतंत्रों को पहचानने लगे हैं। साथियों, प्रॉब्लम कहाँ है समझने की कोशिश करना। एक गुलाम होता है, एक दास होता है, उसे अंग्रेजी में स्लेव कहते हैं। मालिक उस पर हंटर बरसाता है और वो गुलाम अपनी कमर पर सारे हंटर बर्दाश्त करता जाता है, तो उसको कहते हैं बड़ा अच्छा गुलाम। हंटर पड़ता था वो हंटर पकड़ने वाले का हाथ पकड़ लेता है, उसी दिन क्रांति का जन्म होता है। अब हमने पहचान लिया, अब हमने जान लिया बाबा साहब, आज हम आपके प्रति इतने कृतज्ञ हैं। इस बदन की सारी हड्डियों की माला आपके घरों में पहना दे तो आपका कर्ज उतर नहीं सकता। आज आपने हमें बता दिया है, मंत्री जी आए थे, बड़ा संदेश अच्छा देकर गए हैं, हम उस मंत्री जी के लिए बड़े धन्यवादी हैं। प्रोफेसर साहब मेरठ से आए हैं, कोई हापुड़ से भी जरूर आया होगा, सहारनपुर से भी आया होगा। अभी तो अप्रैल के बाद ये दोबारा क्रांति खड़ी न कर दे, उन्होंने ऐसा दमन चक्र चला मेरे नादान बच्चों को, कम उम्र के बच्चों को, जवान बच्चों को उठा उठा करके उनको पीट पीट करके जेल में बंद कर दिया, उनके ऊपर झूठे मुकदमे की बंबार लगा दिया। और साथियों, फिर क्या किया? फिर ये किया कि जब देखा कि सारे जवान बच्चे जेल में हो गए हैं, तो फिर वो संपन्न व्यक्ति को, बुजुर्ग व्यक्ति को पकड़ पकड़ के थाने में ले गए, बोल वो फला आदमी तूने छुपाया था, अब वो उसे 50,000 देकर छूट रहा है, उसे 40,000 देकर छूट रहा है, उसे 1,00,000 देकर छूट रहा है। ये क्या है? ये आर्थिक डकैती है हमारे साधनों के ऊपर। इसलिए मैं कहता हूं, अगर इस दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार होती तो दिल्ली में भी हमारे बच्चों के साथ वही दमन होता, मगर धन्य है बाबा साहेब, डांट
संविधान जिनके कारण इस दिल्ली में एक जनतांत्रिक पद्धति से परिवर्तन हुआ और वो सराह हुआ कमल का वोट या गिन नहीं पाया। मैं आरएसएस के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, मैं बीजेपी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, हालांकि मेरे पास उनके कहने के लिए बहुत कुछ है, मगर मैं अपने भाइयों को कहूंगा। ये कहते हैं आरक्षण खत्म करो, तो भाई ललित बैरवा जी, मास्टर जी, भाई राजीव बैरवा जी, हमें भी एक मांग करनी चाहिए कि आप कहते हैं आरक्षण करो, हम कहते हैं राजनीतिक आरक्षण खत्म करो। ये जब तक ये राजनीतिक आरक्षण रहेगा, इस समाज में से गद्दारों की फौज तैयार होती रहेगी। जब की आया था अपनी दाढ़ी पर खजाब लगाकर उसे काली करता था और एक संदेश लेकर आया था, हमने उसका समर्थन किया। समर्थन जब हम करते हैं तो हमारा समर्थन कलात्मक होता है, चित्रात्मक होता है। हमने उसका एक पोस्टर छापा था, पोस्टर पर उस कमबख्त का भी फोटो छापा था और उसके नीचे लिखा था, उसका संदेश लिखा था। संदेश क्या था? मैं उस घर में दिया जलाने आया हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा है। उस कमबख्त ने हमारी तालियों के ताल पर नेता बनकर टिक गया, उसने अपने बेटे का भी नाम चिराग रख लिया। हमारे झोपड़े अभी भी रोशनी के लिए तरस रहे हैं। तो साथियों, ये जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए देकर के टिकट लाते और जीत करके जाते, काय के लिए जाते हैं मालूम है? काय के लिए जाते हैं? है कोई बताएगा काय के लिए जाते हैं? ये जाते हैं पार्लियामेंट में, विधानसभा में जाकर के गूंगे भेड़े और अंधे बनकर बैठने के लिए जाते हैं। समाज के ऊपर जुल्म होता है, इनकी जबान नहीं खुलती। समाज के ऊपर चीत्कार होती है, इनके कान नहीं सुनते। समाज के साथ अनर्थ होता है, ये अंधे हो जाते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बोलते। तो साथियों, ये राजनीति जो है हमारे माफिक नहीं है। हमारे माफिक क्या है? हमारे माफिक है शिक्षा का आरक्षण, हमारे माफिक है रोजगार का आरक्षण, जो इसकी 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 आंख में कांटे की तरह अखरता है। जो अखरता है, शांति स्वरूप बौद्ध और उसके पुरखे जब लंगोटा पहनते थे तो उनको बड़े अच्छे लगते थे, मगर अब हम अच्छे कपड़े पहनने लायक हो गए हैं तो उनके पेट में मरोड़ उठता है। मैं तो सरकारी ऑफिसर रहा हूं ना, जानता हूं जब कोई पंडित जी दफ्तर में किसी हमारे अफसर के सामने आता है और उसकी दो चार बातें सुनता है और बाद में सुनते सुनते वापस आ जाता है तो अपना सिर पीटता है और कहता है, क्या कहता है कि हम ये दिन देख रहे थे, अरे चूड़े और चमारों की हमें सलाम बजाना था, ये बोलता है। असली पीड़ा यहाँ पर है, अरे इन लोगों ने चूड़ा चमार गाली दी, इसका क्या मतलब है? उन्होंने चूड़े और चमार को एक कर दिया और चूड़े और चमार क्या कह रहे हैं? चमार कह रहा है मैं तेरे से ऊंचा, और भैया जो चूड़ा है वो कह रहा है मैं तेरे से बढ़िया। हम आपस में झगड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं और वो सत्ता पर काबिज है। आज का मेरा संदेश ये है, अगर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को आप ईमानदारी से मानते हैं, जरा बताओ कौन कौन मानता, जरा हाथ उठा के दिखा। सबसे गतिशील संस्था है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी, ये उसके जाबाज चिल्ला रहे हैं जय भीम जय भीम जय भीम।
कहते हैं, समझ लो वो झूठ बोलते हैं, वो मक्कार हैं, वो बेईमान हैं, वो दगाबाज हैं, जातिवादी हम नहीं हैं, हम तो जाति पीड़ित हैं। जातिवादी वो हैं जिन्होंने जाति का निर्माण किया, जिन्होंने जाति बनाई और जाति बना करके हमारे सभी प्रकार के साधनों पर डाका डाला। जातिवादी वो हैं अगर आपने इस देश के 1-3% लोगों को सबक सिखाना है। तो एक बात याद रखना, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन में इतने सारे महापुरुषों को गुरु बनाया, अपने उनके जीवन में उन्होंने जो संविधान बनाया वो सब जाति के लिए था। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो महाड़ का जो सत्याग्रह पानी पीने के लिए किया था, वो अपनी जाति के लिए नहीं, सभी वंचित समाज के लोगों के लिए पानी पीने के लिए बिल्कुल संघर्ष का बिगुल बजाया था। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल का जो संघर्ष किया था वो मेरी समाज की महिलाओं के लिए नहीं किया था, वो इस मनु की ओला अपनी महिलाओं को भी अधिकार नहीं देती है उनके लिए भी किया था। हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के इसलिए आभारी हैं, इसलिए ऋणी हैं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा मानवतावादी व्यक्ति था। और ये लोग क्या है, ये षड्यंत्रवाद है। बुद्ध से पहले क्या था? बुद्ध से पहले था अल्प जन हिताय अल्प जन सुखाय। समझ गए, समझाऊं? समझ गए? अल्प जन 3% उन्हीं के सुख और हित की बात होती थी। और बुद्ध ने ये बीमारी शक्ति और आकर के क्या कहा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकाम। ये बुद्ध ने कहा बहुजन हिताय। बहुजन हिताय का मतलब क्या है कि जिनकी संख्या ज्यादा है वो जो सदाचारी हैं और दुराचारियों के चक्कर में पड़ के पिछड़ गए हैं उन सबके हित के ही काम करेंगे। मगर जब वो कहते हैं चरत भिक्खुए चारिकम, ऐ भिक्खु घर से निकलो, आश्रम से बुद्ध विहार से निकलो और चारिका चलो, यात्राएं करो, उल्टी कहानी। बुद्ध से पहले कहते थे कुआं प्यासे के पास थोड़ी जाएगा, अरे प्यासे को प्यास लगी है तो वो कुएं के पास आएगा। मगर बुद्ध ने पहले वर्षावास में 60 भिक्खुओं को जो ज्ञान के कुएं थे, ज्ञान के कुंभ थे, उनको तैयार करके कहा कि अरे तू अरे ज्ञान के कुएं जाओ, प्यासों के घर जाओ, वो जो ज्ञान के प्यासे हैं अंधकार में पड़े हैं जाओ उनके घर जाकर के इस ज्ञान का अमृत रूपी जल बनाओ और उसके अंधकार को दूर करो। मगर ये जिम्मेदारी आज के जमाने में खाली भिक्खुओं की नहीं है, जो हम संस्था चला रहे हैं ये हमारी भी जिम्मेदारी है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में कहा था, 14 अक्टूबर को कहा था, नागपुर की पवित्र भूमि पर कहा था, या मैंने तुमको बुद्ध का अनुयायी बना दिया है, अब तुम्हारा परिवार सारी दुनिया में फैल गया है। उसी दिन से हमारे खिलाफ इस देश की शासक जातियों ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। और क्या किया, जो हमारा बोध भिक्खु होता है ना, बाबा साहब लिखते हैं अपने अंतिम अमर ग्रंथ में, लिखते हैं दी बुद्धानी धम्मा में लिखते हैं, जिसे हम हिंदी में भगवान बुद्ध उनका धम्म कहते हैं, उसमें वो लिखते हैं ए बुद्धिस्ट मॉन्क इज ए होल टाइम ऑफ सोशल वर्कर, एक बोध भिक्खु पूर्णकालिक समाज सेवक होता है। मगर हमारे बोध भिक्खु क्या कर रहे हैं बताऊंगा तो बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। वो कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। हमारी संस्थाएं क्या कर रही हैं, वो कर रही हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। और हमारे दुश्मन क्या कर रहे हैं, उन्होंने हमारे बौद्ध भिक्खुओं का कंसेप्ट हमारी आंखों के सामने देखते देखते चुरा लिया। ये इनका सफेद धाड़ी वाला काले मन वाला प्रधानमंत्री कौन है, इसको क्या कहते हैं प्रचारक, ऐसे ही है ना, गलत तो नहीं कह रहा, उसको कहते हैं प्रचारक। वो प्रचारक क्या कर रहा है, बौद्ध भिक्खु अपना घर नहीं बसा सकता, इनका प्रचारक भी घर नहीं बसा सकता। बौद्ध भिक्खु अगर घर बसा हुआ है
उसे छोड़कर उसे आना पड़ता है। इनका मोदी क्या कर रहा है, वो भी जसोदा बहन को छोड़ करके बाहर आ गया। बाल बिट्टू 24 घंटे का समाज सेवी होता है, उनका प्रचारक भी समाज सेवी होता है, 24 घंटे का होता है। हमारा कंसेप्ट चुरा के और हमारे ही छाती पर दाल तल रहे हैं और हम अपना सब कुछ लुटा हुआ देखकर भी बड़े मग्न हैं, बड़े मस्त हैं। साथियों, अब दस्तूर बदलना चाहिए इस देश के अंदर। भाई अवतार आ गया, आपका अवतार आ गया, वाह वाह, मेरा लाडला आ गया, मेरा लाडला आ गया। और इनके पड़ोस में जो बोझी बैठे हैं, और भी दुगना साहस मेरा बढ़ गया। अब आपने कहना क्या, एक जाति के चक्कर में अगर आप आंदोलन चलाओगे कभी सफल नहीं हो। एक जाति का आंदोलन बाबा साहब के आंदोलन की विफलता की गारंटी। जितनी भी दलित जातियां हैं, जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, जितनी भी आदिवासी जातियां हैं, आओ मेरे साथ बैठ करके सलाह मशवरा करो, मैं साबित करूंगा ये सब एक बाप की औलाद है। ये जो एक बाप की औलाद है, अगर समझ में नहीं आता तो देखो, आदि मानव देखा है आपने, नंगा है, बदन पर बाल लटके हुए हैं, हाथ में उसे लंबा पत्थर हथियार के तौर पे ले रखा है, चल रहा है, टें 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 टें। कौन है वो बताओ, किस जाति का है वो? वो साहब जी, सब जाति उसी की संतान है। इसलिए भारतवर्ष की सबसे पराक्रमी जाति कौन सी है? शाक्य जाति, बुद्ध की जाति, मौर्य जाति, सम्राट अशोक की जाति, कोली जाति, महामाया की जाति। ये तीन जातियां मूल जाति इस देश की हैं, और जितनी भी नॉन ब्राह्मण जातियां हैं सारी इन्हीं में से निकली हैं, या प्रतिगामी प्रतिक्रांतिवादी तत्वों ने इन्हीं को तोड़ तोड़ कर बनाया है। आज भी जो जाति की फैक्ट्री अब हमने लगा रखी है ना, ये जो बैरवा भाई हैं राजस्थान से आए हैं, मैं आपको देखता हूं तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। उसका कारण ये है, एक जमाना ये था, ये जो दिल्ली में फिरिस्तान के पास बैरवा लोगों की बहुत बड़ी आबादी है, वहां पर दिल्ली के जमा और बैरवाओं की आपस में तलवार खटकती रहती थी। मगर आज शांति स्वरूप गौर दिल्ली में जिस जाति का भी है, अगर इसके ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो राजस्थान के बैरवाओं के ऊपर बदन में कीड़ा होगी। आज आंदोलन ये बन गया है, इसलिए हम कहते हैं आप अपने बीच में से जातियों की संख्या कम कर दो। अरे जो एक जमाना था 1930 का, चमार लोगों ने अपने आप को देखा कि चमार को साली गाली बन गई, आओ उससे छुटकारा पाए, वो छुटकारा पाए। रिकॉर्ड किया, तुमने क्या अपराध किया है? उसने शासक जातियों ने हमें हमारी जातियों से नफरत करनी सिखा दी और भगदड़ मच गई। हम जाटो बने, अहरवार बने, कुरील बने, बैरवा बने, बलोई बने, मेघवार बने, न मालूम क्या क्या बने, और बनने के बाद फिर जिससे भी हम निकल के आए हैं उससे नफरत करनी शुरू कर दी, उन्हें शादी विवाह करने बंद कर दिए। आज एक जाटो जाति है। अभी कल ही हमारे घर एक आदमी आकर निकल रहे, रोजित कितने समझदार आप आदमी हैं, हम चमार नहीं, हम तो जाटव हैं। अबे तू हमें क्यों सुना रहा है ये दर्दपूर्ण दास्तान? ये दास्तान हमारी गुलामी का सबसे बड़ा कारण है। अगर इस देश का 144 खंबे वाला ये जो गोलघर है जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, अगर इस पर ईमानदारी से कब्जा करना है तो साथियों अपने भीतर की जातियों को कत्ल कर दो। आज अपनी जातियों को कत्ल करोगे। अभी दूध पार प्रदर्शन विभाग के करिश्माई अध्यक्ष भाई आखिरी बात के लिए यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे चर्चा करता हूँ कि हमारे समाज में जो अंतर जाति विवाह करें, कैसा अंतर जाति विवाह? शेड्यूल कास्ट जाति, दूसरी शेड्यूल कास्ट जाति, इनमें विवाह करेंगे तो हम उनको सम्मानित करेंगे। भाई श्याम भंडारी जी का यह आंदोलन है, मगर हमें अच्छा लगा तो हमने पकड़ लिया, हम उन्हें सम्मानित करेंगे। मगर एक याद रखना, अंतर जाति विवाह पे आप भटक मत जाना, वो हमारे समाज के आगे वाला, वो हमारे समाज के आगे अपनी क्लासमेट सुंदर लड़की से इस लालच में शादी करते हैं कि एक छत के नीचे तो सरकार चलेगी, एक छत के नीचे तो मोटी मोटी
तनख्वाहें आएंगी। लड़की की अगर दांत में बाहर निकले हैं वो उसको ब्याह के लिए आता है और कहता मैंने जाति तोड़ दी, मेरे सामने कल्याण में घटना घटी, घटना न हो या दुर्घटना न हो। एक आईएएस था, रिटायर्ड था, वो अपने घर में एक स्वर्ण महिला को रखे हुआ था, उसने कहा मैंने तो जाति तोड़ दी। हमने कहा तूने यहाँ की हद तोड़ दी, जाति नहीं तोड़ी। और कहता बाबा साहब ने भी तो घर में बामली लाए थे, मैं भी बामली लाया हूं। मैं कहा कोलगेट कर, तूने बहुत गंदी बात कह दी, तूने एक तो अनर्थ ये किया कि अपने घर में बामली लाया और दूसरा उससे बड़ा अनर्थ ये कर दिया कि तूने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से अपनी तुलना कर ली। साथियों बताना, जो लोग अंतर जाति विवाह करते हैं, बाबा साहब अपने घर में बामली लाए थे, बामड़ बात नहीं लाए थे, समझ गए? वो बामड़ी लाए थे क्योंकि जाति तोड़ के दिखाने थी और सबके सामने सरेआम तोड़ करके धराशायी जाति को करके एक ब्राह्मणी को अपना अर्धांगिनी बनाया। बाबा साहब ने उस ब्राह्मणी के आने के बाद में कभी लाल टीका नहीं लगाया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी कलई धागा दूसरे रंग का नहीं पाता, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी किसी भी तरह की अंगूठी नहीं पहनी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के घर में कभी यज्ञ और हवन नहीं हुआ। साथियों जो लोग आपको भ्रमित करते हैं और मिशन विरोधी काम करके हमसे भी कहते हैं सीरा तानो, अबे उससे पहले तो हमारी मानो। हमारी मानोगे तो बड़े मजे में रहोगे। कौन शांति स्वरूप बोल रहे, कैसा प्राणी है, दिल्ली की क्रीम बैठी है यहाँ। जिस दिन मैं 10 वर्ष तक भारतीय बोध महासभा दिल्ली का अध्यक्ष रहने के बाद जब मैं बाहर निकल के आया तो चेतराम भास्कर जी ने मुझसे कहा था कि ले भाई अब तू तो इससे मुक्त हो गया, तू आज हमारी संस्था से जुड़ जा। मैंने कहा नहीं, मैं तो आपको बड़ा सम्मान करता हूँ, आपको भी मुझे प्यार करना चाहिए। मैंने ये संकल्प लिया पद छोड़ने से पहले कि अब मैं दिल्ली के सबसे बड़े सबसे प्रतिष्ठित पद पर और सबसे अधिक समय 10 साल तक पद पर रह लिया, अब जीवन में कभी भी कहीं पद पर नहीं आऊंगा। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बताओ मुझमें क्या कमी नजर आ रही है? मेरे सर पर बाल ही तो कम हुए हैं, मगर इतने सारे मुझे बाल बच्चे भी तो मिल गए। पदों के चक्कर में बाबा साहब का रथ फंस गया, कीचड़ में दलदल में फंस गया। जिन लोगों को अपनी समाज के हित में संघर्ष करना था वो लोग बाजार में खड़े होकर के देखते हैं कि तेरे ऊपर किसकी नजर जाती है, कौन तेरी कीमत लगाता है। अरे तुम भूल गए, इस देश में हमारे हमारे पुरखों का राज होता था। इस देश में जितने भी किले थे उन किलों के ऊपर हमारे पुरखों की पताकाएं फहराती थी, हमारे सर पर मुकुट सजते थे, हम इस देश के शासक थे। हमने एक जाति लिखी, चमार जाति का गौरवशाली इतिहास, लोग अपने आप को चमार कहने में गर्व करने लगे। अबे हम कह रहे तेरा इतिहास गौरवशाली है, वर्तमान स्थिति तेरी बड़ी खराब है, समझ गए? चमार हम तो गौरवशाली, अबे काहे का गौरवशाली चमार है, तेरा इतिहास गौरवशाली है। क्यों इतिहास गौरवशाली है? इतिहास इसलिए गौरवशाली है कि हमारे पुरखों ने कभी भी बेईमानी नहीं की। आज शिवाजी महाराज का खजाने के खजांची का नाम पूछ लो, पता चलेगा वो तो चमार था। आप अहिल्या बाई के खजाने का रक्षक पूछ लो, आपको पता चलेगा वो तो महान था। हम लोग छोटी जाति के होते हुए भी हम इनके खजानों के रखवाले थे, कारण क्या था? हम अपनी जान पर खेल सकते थे मगर खजाने पर किसी की उंगली नहीं लगानी। ये हमारा चरित्र था। बौद्ध धर्म इस देश से अगर समाप्त हुआ तो इसलिए नहीं कि उसमें कोई कमी थी, बौद्ध धर्म समाप्त हुआ इसलिए कि उसमें कोई कमी नहीं थी, और ये उस कमी ना होने के कारण उस बौद्ध धर्म का मुकाबला कर नहीं पाए। तो षड्यंत्रों पर उतर आए। षड्यंत्र कैसे? जो एक भिक्षु की गर्दन काट के लाएगा उसे 100 सोने की दनार मिलेगी। इतनी स्थिति खराब हुई गुरुजी कि कोई अगर नहीं भी मिलता था तो मरे मराए की गर्दन दोबारा लाकर 100 सोने की दनार मिलेगा। बेईमान है ना, जन्म से बेईमान है।
मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करता हूं, एडवोकेट साहब भी कहते गए, मैं भी कह रहा हूं, साहित्य से रिश्ता नहीं जोड़ोगे तो हमेशा पछताते रहोगे। दिल्ली के लोग बैठे हैं कि अंबेडकर भवन वालों को समझा दो, मेरा अंबेडकर भवन वालों से झगड़ा कोई नहीं है, मैं कुछ चाहता हूं, हमारे पड़ोस में आरएसएस की किताब का भंडार, आरएसएस की किताबों का भंडार है, सुरुचि प्रकाशन है, झंडे वाले मंदिर के बाहर है, और हमारे अंबेडकर भवन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्रकांड विद्वान, भारत का सबसे अधिक संख्या का ग्रंथकार, उसके नाम पर जो अंबेडकर भवन है वह किताब के नाम पर इल्ले किल्ले कुछ नहीं। तो इसलिए आप लोग जाएं और उन्हें बताएं कि समय प्रकाशन की किताबें ना खरीदें, मगर किताबें दूसरों की खरीद के लिए। अगर आप ये काम करेंगे तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन आगे बढ़ेगा। मैं कोई पागल नहीं था, मैं सेक्शन ऑफिसर था, आज अगर मैं सेक्शन ऑफिसर रिटायर होता तो मैं डिप्टी डायरेक्टर होता, और मेरी पेंशन कितनी होती, 1,00,000 रुपए से ज्यादा मेरी पेंशन होती, मगर मैंने उस नौकरी को, उस मोटी तनख्वाह को, उस पेंशन के लालच को अगर ठोकर मारी तो इसलिए मारी कि आज राजस्थान के बच्चे भी कह रहे हैं कि शांति स्वरूप बोध के कारण हमारे में जागृति आ गई। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी तनख्वाह, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पेंशन है। आज अपने आप को पहचानो। 3 राज्य जो बहुत पिछड़े थे अंबेडकर मोमेंट में, बहुत पिछड़े थे, कहां से शुरू करूं, राजस्थान, हरियाणा और हरियाणा की इधर गुजरात, तीनों नॉन, अंबेडकर मोमेंट के लिहाज से नॉन, मगर आज की उपलब्धि यह है कि तीनों राज्य में मोमेंट हो गया ऑन। ये जो स्वाभिमान संघ है, बारवा कोई जाति नहीं भैया, आपको अगर गलत फहमी हो तो ये पन्ना फाड़ कर फेंक देना, ये बैरवा कोई जाति का नाम नहीं है, एक अंग्रेज ने इनकी बहादुर से खुश होकर के कहा था, अरे डिसेंट एंड ब्रेव, उस ब्रेव को बिगाड़ के हमने बैरवा को साथ ही गलत तो नहीं कह रहा, तो गलती हम करते हैं और हमारी एक आदत पड़ गई है, हर बात में जाति बनाएंगे, हर बात में जाति बनाएंगे, यानी कि दुश्मन की कामयाबी के आधारशिला रखेंगे। आज मैं माफी चाहता हूं आप सबसे, मुझे कई मेरी बच्चियों ने टोका, बच्चे ने किसी ने नहीं टोका कि मैडम नहीं आए आज, मैडम नहीं आए आज, हम मैडम को क्यों लाते हैं, हम मैडम को इसलिए लाते हैं कोई ये ना समझे कि भाई अंबेडकर वाद बुद्धिस्ट लोग अपनी घरवालियों को खाना भी खिलाते हैं या नहीं खिलाते, मेरे से तंदुरुस्त हैं, हमारे बच्चे बैठे हैं वो तो जानते ही हैं। और मैं तो एक बात कहता हूं, मेरी बहन बेटियों बुरा मत मानना, हमारी मैडम जब ब्लाउज सिलवाने बकेट में जाती है ना तो एक दिन जाएगी मेजरमेंट देने के लिए, और 6 बार कब जाएगी पहुंची, फिटिंग के लिए, इधर से टाइट हो गया, इधर से दूर हो गया, इधर से ऐसा हो गया, इधर से वैसा हो गया, पर मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि जिसके 12 हाथ थे उसका ब्लाउज कौन सिलता हो। सीधा सा फट्टा है ये सब मामला, ऐसा ही है जैसा बच्चे के सिर पे हाथी का सिर रख दिया। तो आज आपको अगर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को अपना आप आदर्श मानते हैं तो एक बात याद रखना, बाबा साहब ने कहा था जब उनकी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे थे, बाबा साहब बहुत दुखी थे, उन छोड़कर जाने वालों से उन्होंने कहा था, सुनो जाते जाते मेरी भी सुनते जाओ, तुम जाओ जरूर जाओ, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस गेन करो, मगर एक बात याद रखना, अपने घर को आग लगाती कभी बच जाना, वहां अगर तुम्हारे कमर पर लात पड़ेगी तो इसमें आकर के आप अपना सर को ढक के सो सकोगे, ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के अपने लोगों को सीख थी। बाबा साहब का
भवानराव चांददेव खैर मोड़े, उसका आठवा खंड पढ़ लेना। बाबा साहब ने अपने लोगों को कहा, कहीं भी जाओ अपनी समाज को मत भूलना। हमारे लोग कहीं भी जाते हैं, पहले जूते भारत समान भार, बाद में फिर वो अंदर आते हैं। ये हकीकत है, नंगी हकीकत है। तो इस समाज का भला करेगा कौन? इस समाज का भला करेंगे प्रतिभावान युवा। आपने देखा ना, जब यहाँ एडवोकेट साहब बोल रहे थे तो कई लोगों के पेट में इतना दर्द हुआ। इतना दर्द हुआ, और मेरी नजर में इन वकील साहब से बड़ा कोई मर्द नहीं हुआ। जब हम एडवोकेट साहब को कोई परेश वाले ले गए बाहर, तो मुझे लगा कोई षड्यंत्र तो नहीं, मैंने तीन आदमी भेज, मैंने जाओ। मगर मैं धन्य है वो मां जिसने इस लाल को जन्म दिया, धन्य है वो जमीनी जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया। पत्रकार ने कहा और आगे पीछे देखे बगैर तुरंत उठ के चल दिए। तो ये वो एक जज्बा है। आज यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया, समता बुद्ध विहार, सम्यक प्रकाशन, स्वाभिमान संघ, ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं जैसे उंगली और नखून जुड़े रहते हैं। और इन्हें कोई अलग करना चाहे तो अलग कर भी नहीं सकता। हाँ, हार थककर अपना सिर धुन के जरूर बैठ जाएगा। इसलिए याद रखना, हम अब आज सुरक्षित हैं, थोड़े बहुत अगर सुरक्षित हैं तो किसी देवी की कृपा से नहीं, किसी देवता की कृपा से नहीं, अपने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की कृपा से। तो इसलिए संविधान की सुरक्षा में हम दौड़ेंगे, दिल्ली के अंबेडकर भवन से दौड़ना शुरू करेंगे और जंतर मंतर तक आएंगे। ये हमने कार्यक्रम प्रकाशित किया है, इसे हैंडबिल में कभी नजर आएगी आपको। मैं बता दूं, किसी और से मत पूछना, मैं खुद बता दूं। वो ये है कि समाज के आरसी विवेक जी जैसे हमारे अनमोल बुजुर्ग हीरे, वो मार्गदर्शक के रूप में उनके फोटो छपे हैं, मगर हमारी कार्यकारिणी का एक भी फोटो नहीं। ये नया आंदोलन है, पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, सम्मान नहीं, मगर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर करके परमाणु को पूरा करने में जान भी जाए तो कोई मलाल नहीं। ये एक आंदोलन चला है, दिल्ली से चला है, दिल्ली वालों के बीच में रह करके सीखा है। मैं तो अपनी पीढ़ी का तीसरा आदमी हूँ, मेरे बाद की दो पीढ़ी भी इस आंदोलन में लगी हुई है। ऐसे आदमी दिल्ली में शायद ही देखने में कम मिलेंगे। भाई बहुत गवाह बैठे हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की पहली मूर्ति उनकी डेथ के बाद दुनिया में अगर कहीं लगी, जयपुर राजस्थान से बन के आई थी और दिल्ली के अम्बेडकर भवन पर लगी है, वो हमारे पिताजी लाला हरिचंद मौर्या ने और उनके जो मित्र थे पूरन भगत ने बना के लगवाए थे। मेरा नाम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने रखा, मेरे पास इससे बड़ी और कोई डिग्री नहीं है जिसका नाम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने रखा हो। है कोई उसको खरीद सके? कोई नहीं खरीद सकता। खरीदने आएगा तो मुट्ठी फाटेगा। हम समाज को खरीदने वाला बना रहे हैं, वो खरीदने का काम वही कर सकता है जो पहले बिकने का काम बंद करेगा। और जब तो जब नहीं बिकेगा तभी तो टिकेगा। तो आज का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो बच्चों का युवकों का कार्यक्रम है, संविधान दिवस सोमवार को पड़ रहा है, 26 तारीख को नवंबर के महीने में, क्योंकि उस दिन कार्यक्रम बहुत सारे हैं। महाराष्ट्र के दो कार्यक्रम हैं, दिल्ली के भी कई कार्यक्रम हैं। हमने इसको रख दिया एक दिन पहले संडे का दिन और पूर्व संध्या का नाम, संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर ये हम दौड़ लगाएंगे दिल्ली के अंबेडकर भवन से जंतर मंतर तक। बताओ उसमें कौन कौन आएगा? भैया ईमानदारी से बोल रहा, जिन्होंने दो हाथ उठाए इसका मतलब वो अपने परिवार को भी लेके आए। और ये गुड्डा खुश हुआ आपकी बात पर, मुझे भरोसा हुआ। मगर
मगर एक चीज जाते जाते जानते जाना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, मौलन का हाल है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का, इससे इतिहास ये जुड़ा हुआ है कि जब 20 जून 1942 को वायसराय की काउंसिल का उनको मेंबर यानी कि मिनिस्टर बनाया गया, तो बाबा साहब को जब टेलीग्राम मिला उस समय वो नागपुर के कामटी में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की मीटिंग ले रहे थे और गवर्नर का लेटर मिलते ही वहां से सीधे दिल्ली भागे। दिल्ली में पहली बार, दिल्ली आने के बाद मेरे मुक्तिदाता ने पहली रात कहां बिताई? इस विट्ठल भाई पटेल हाउस में बैरक होती थी, बैरक कहते थे एक मंजिली मकान जिस पर खपरेल पड़े होते थे, उसमें बिताई, 35 नंबर में बिताई। ये वो कमबख्त जगह है कि मेरे मुक्तिदाता को मच्छरों ने सारी रात सोने नहीं दिया। फिर अगले दिन वो यहां से वैष्णव कोट चले गए, जनपद पर चले गए और वहां पहले 2 नंबर कमरे में गए, बाद में फर्स्ट फ्लोर पर 29 नंबर कमरे में चले गए। तो ये स्थान, ये जिस स्थान पर आप सब बैठे हैं, आओ हम इस स्थान को भी नमन करें जिसने हमारे मुक्तिदाता को शरण प्रदान की। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस दिल्ली में जहां जहां कदम रखा था, जहां जहां कदम रखा था, हमारे लिए वो सारे स्थान तीर्थ स्थल हैं। और ये राजस्थान वालों को शायद पता नहीं है कि राजस्थान की महत्ता क्या है। सबसे बड़ा दार्शनिक बौद्धों का जो सूर्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है, उससे बड़ा कोई वैद्य इस देश में हुआ नहीं, उसका नाम है आचार्य नागार्जुन। आचार्य नागार्जुन की मां हमारे राजस्थान की है। अलवर जिले में एक जगह है बैराट, है ना साहब? वो सम्राट अशोक आए थे साहब वहां, और वहां पर वो लाठ खड़ी करके गए थे। वो स्तूप आज भी वहां बना हुआ है। मेरे बाबा ने जहां जहां चरण रखे मेरे बाबा ने वहां वहां तीर्थ बनाएंगे। बोलो ना, जहां जहां चरण धरे बाबा ने, जहां जहां चरण धरे बाबा ने, जहां जहां चरण धरे बाबा ने। अभी मैं खुर्शीद आलम साहब के पास गया था। खुर्शीद आलम साहब को सब जानते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े एडवोकेट हैं। सुरई ससाई जी ने महाबोधि महाविहार जो बोध गया का हमारी पुराना तीर्थ स्थल है, उसके मैनेजमेंट में चारों मेंबर बोध होने चाहिए, इसलिए उस पर केस डाला हुआ है। खुर्शीद आलम साहब उसके मेंबर है। मैंने उनको कहा, सर ये जो आपका तिलक मार्की कोठी नंबर 1 है ना, पटियाला हाउस के सामने बाबा साहब यहाँ रहते थे, इसे गुंबद वाली कोठी भी कहते थे, इसे इंसाफ की कोठी भी कहते थे, और इधर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की डेथ हुई, इन कमबख्तों ने वो कोठी तोड़ दी। अरे तुम कोठी तोड़ दो, हम टूटी हुई पे कब्जा करेंगे। अरे 26 अलीपुर ले लिया, तो इसको तो उसको तो हमने संघर्ष करके लिया था, इसको तो हंस के लिए ले गए या नहीं लेंगे? ठोको ताली। बाबा साहब जहां जहां रहे दिल्ली में, बाबा साहब फतेहपुर बेरी में भी रहे थे, फतेहपुर बेरी में रहे थे, उसका अलग इतिहास है। मैंने दिल्ली का जो इतिहास छापा है वो आपको दिल्ली वालों के पास, जो दिल्ली में रहते हैं चाहे बाहर से आके रहते हैं, जिनका जन्म दिल्ली में हुआ है, कम से कम उनको वो किताब अपने पास जरूर रखनी चाहिए। तो आज इस मौके पर इस जानदार, इस शानदार कार्यक्रम को करने वाले स्वाभिमान संघ के समस्त कार्यकर्ताओं को, जिनकी अगुवाई भाई ललित बैरवा जी कर रहे हैं, राम निवास जी कर रहे हैं, राजीव बैरवा जी हैं और बहुत सारे हमारे साथी हैं, इन सब के जज्बे के लिए एक बार जरा ताली से बताओ। ये मुझे हर साल बुलावा भी है वहां राजस्थान में। मैंने कह दिया अब न जाता, मैं आपसे मैं बुढ़ा हो गया। कहने लगा अब हम दिल्ली में ही करेंगे। तो भैया ये दिल्ली में हो गया, अब मैं तो इनसे निवेदन करूंगा कि भैया कार्यक्रम तो आपका सफल हो गया।
जनता को आदत पड़ने के लिए कई प्रोग्राम चाहिए, इसलिए और भी प्रोग्राम दिल्ली में करें। संगठन का, क्योंकि गरीब बच्चों का संगठन है, उसमें दिल खोलकर दान भी देते। हमारे बुजुर्ग कहते थे, पैसा बात को या स्वाद को, बात क्या होता है, प्रतिष्ठा को या मौज मस्ती के लिए। और भैया जरा एक बार ताली और पिटवाऊंगा, ये जो आज के कार्यक्रम की शोभा आप देख रहे हैं ना, ये हमारे ललित जी इन्होंने 1 लाख रुपए दिए हैं। मैं राजकुमार जी एक बात कहता हूं, घर से निकलो, बहुत सारी चीजें आपको खुश करने वाली मिलेंगी। क्या मिलेंगी? मैं जब दोसा गया और इनके चाचा जी से मिला, बद्री जी से, तो पता चला वो तो हमारे पिताजी के वर्कर थे, पिताजी के साथ रिपब्लिकन पार्टी में काम करते थे। तो जब हमने बाहर जाकर निकला, उनके मार्ग पर जब अलवर गया तो वहां पटवारी जी मिले, चिरंजी लाल जी, तो पता चला वो भी पुराने वर्कर थे। जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो पता चलता है बाबा साहब हमारे रिश्तेदार सब जगह बसा के गए। तो इसलिए आप सबसे निवेदन यह है, जैसे मैंने बताया ना, कि बाबा साहब का एहसान तो उतार नहीं सकते। जो बाबा साहब का एहसान उतारने की बात कहता भी हो तो समझ लेना पागल हो गया। 1000 जन्म में बाबा साहब का एहसान उतार नहीं सकता, मगर एक काम करना कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के प्रति जान जाए तो जाए, मगर ईमानदार रहना। आगे कौन सा साल आ रहा है जी? 19 पूरा क्या है? 2019 कहने की जरूरत है कुछ? अगर बाकी आप समझ गए हैं और ईमानदार हैं तो जरा मैं भी देखूं ताली कैसे बजती है। जिनको जो ओंग आ रही थी ना, जिनको, उनके लिए एक बार और बता रहा हूं, तारीख है 25, महीना है नवंबर, दिन है रविवार, सुबह 10 बजे दिल्ली का अंबेडकर भवन, वहां इकट्ठा होना है। और वहां से हम सब बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे जैसे 2016 में बहुत बड़ी तादाद में गए थे, लोगों ने कहा था यहाँ तो अंबेडकर वादियों का जन सैलाब आ गया। तो ये दिन भूलना नहीं, अगर ये दिन नहीं बोलोगे तो आगे आने वाले दिनों में आप अपनी क्रांति का परचम फहरता हुआ देखोगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। अब मेरे साथ कुछ नारा लगाएंगे, भैया जिसे बीपी की बीमारी हो ना गोली गोबर रख लो, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धस्।